9 न्यूज नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का पार्टी सिंबल तीर कमान छीनने की जंग में एकनाथ शिंदे भारी पड़ने लगे हैं। शिवसेना के कुल 19 लोकसभा सांसदों में से 12 उनके पाले में आ चुके हैं। दावा 6 और सांसदों का भी है। इससे पहले 40 विधायक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन से जुड़े ज्यादातर शिवसैनिक शिंदे के साथ आ चुके हैं। कुल मिलाकर उद्धव के हाथ से शिवसेना का तीर कमान फिसलना तकरीबन तय माना जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला चुनाव आयोग को करना है। आइए जानते हैं कि उद्धव के हाथ से तीर कमान छूटना क्यों तय है, साथ ही चुनाव आयोग कैसे करेगा फैसला। बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। शेवाड़ी जी है वो घटनेता बन गए है, उनका भी स्वागत मुझे करना था। भावना तई तो हमारी चीफ व्हिप है, उनका भी स्वागत करना था और सभी 12 लोगों का स्वागत करना था मुझे, इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारी जी बाला साहेब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2019 में शिवसेना के कुल 56 विधायक थे, इनमें से एक की मौत हो चुकी है, यानी यह संख्या अब 55 है। 4 जुलाई को हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट के पक्ष में 40 विधायकों ने वोट किया था। और अगर देखा जाए कि 7 जुलाई को ठाणे जिले के 65 कॉर्पोरेटर में से 66 शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। देखा जाए तो बीएमसी के बाद ठाणे सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसके बाद डोंबिवली महानगर पालिका के 55 कॉर्पोरेटर उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर शिंदे के साथ मिल गए हैं। वहीं नवी मुंबई के 32 कॉर्पोरेटर भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही शिंदे गुट ने 18 जुलाई को पार्टी को पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुना गया है। खास बात बता दें कि शिवसेना ने पार्टी प्रमुख के पद को नहीं हटाया, यानी उद्धव ठाकरे का पद जस का तस रखा हुआ है। शिवसेना के कुल 19 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से 12 लोकसभा सांसदों के शिंदे गुट ने मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के सामने परेड करवाई है। इसके साथ ही शिंदे गुट का दावा है कि 19 सांसदों में से 18 हमारे साथ है। स्पीकर ओम बिरला ने भी बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। वहीं भावना गवली को शिवसेना के चीफ व्हिप के तौर पर बरकरार रखा गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन भले ही अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ बरकरार है, लेकिन 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के सभी 22 सांसदों ने बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है, यानी शिवसेना किसकी, इसे चुनाव आयोग ही तय करेगा। चुनाव आयोग को यह अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 से मिलता है। आयोग पार्टी के वर्टिकल बंटवारे की अगर जांच करेगा, यानी इसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। चुनाव आयोग बंटवारे में सबसे पहले की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किसके गुट में है, इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक है। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला लिया है, लेकिन अगर किसी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसद अब शिंदे गुट के साथ है। शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया कि उनके पास 2/3 जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए असली शिवसेना अब उनकी है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने कई जिलों के पदाधिकारियों के भी साथ होने का दावा किया है, यानी शिंदे ने संगठन को भी तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस टूट से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना के संविधान के मुताबिक चुने गए अध्यक्ष हैं। संसदीय गुट में अभी कोई बगावत नहीं है। जैसा कि ऊपर हम आपको बताया कि चुनाव आयोग पार्टी के वर्टिकल बंटवारे की जांच करेगा, यानी इसमें विधायिका
और संगठन दोनों देखे जाते हैं। ऐसे में अभी जो स्थिति है उसमें शिंदे गुट मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी विधायिका के साथ ही साथ वे संगठन के लोगों को भी अपने पाले में करते दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से 19 जुलाई को चुनाव आयोग को एक लेटर सौंपा गया। लेटर में लिखा है कि हमारे पास शिवसेना विधायकों और सांसदों का बहुमत है, हमारे पास एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ऐसे में हमें असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए। वहीं दूसरी तरफ शिंदे की पार्टी पर कब्जे की स्ट्रेटेजी को देखते हुए उद्धव गुट ने 11 जुलाई को चुनाव आयोग में कैवियट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट द्वारा की गई किसी भी मांग पर विचार करने से पहले उन्हें सुना जाए। आखिर शिंदे शिवसेना पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, आइए बताते हैं आपको। इस पूरे प्रकरण से यह साफ है कि बीजेपी का मकसद महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि वह उद्धव ठाकरे को राज्य में कमजोर करना चाहती है। साथ ही बीजेपी ऐसी शिवसेना चाहती है जो उसका सपोर्ट करे, ना कि वह उसकी कॉम्पिटिटर हो। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि शिंदे गुट को शिवसेना का सिंबल मिल जाए, इससे बीजेपी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के खिलाफ गुस्से का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखना ये होगा कि जहां चुनाव आयोग में ये मांग की गई है उद्धव ठाकरे द्वारा और एकनाथ शिंदे द्वारा कि आखिरकार जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो किसकी तरफ आता है। एक तरफ एकनाथ शिंदे भी शिव सैनिक खड़े हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी शिव सैनिक है, यानी कि दो शिव सैनिक आमने सामने खड़े हैं और यहाँ पर एक पार्टी के सिंबल को लेकर ये बात हो रही है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो चुनाव आयोग है वो किस नतीजे पर या फिर किस उसके ऊपर देखा जाएगा कि किसको ये पार्टी का साइन मिलता है। क्या यहाँ पर बहुमत के ऊपर पार्टी का साइन दिया जाएगा या फिर जो जड़ से इस पार्टी के नेता है यानी कि जो मालिक है या फिर उसके पास आएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।